नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G04 4G versus Vivo Y18e का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G04 में 2.93 इंच जबकि Y18e में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G04 में 0.31 इंच जबकि Y18e में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि G04 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G04 में 178.8 ग्राम जबकि Y18e में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि G04 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G04 में इट्स LCD जबकि Y18e में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1612px HD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G04 में 85.27% जबकि Y18e में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G04 में 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Y18e की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डुअल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G04 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y18e की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G04 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y18e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G04 में माली G57 जबकि Y18e में माली G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G04 में Unisoft D606 और Y18e में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो G04 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Y18e में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो G04 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y18e में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G04 में 4 कलर्स जबकि Y18e में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G04 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 6999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,800 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y18e की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G044G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए वीवो Y18e की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G04 आगे है, मेन कैमरा में G04 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y18e आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M15 5G है, दूसरा वीवो Y18 है, तीसरा वीवो Y200e 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।